हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका जो टॉपिक है, यहाँ पे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको हम लोग कहते हैं GOC, ओके, उसका यहाँ पे जो सेकेंड यहाँ पे वीडियो है वो यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं, ओके। और ये सेकेंड जो वीडियो है उसके अंदर हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, ओके। अगर आप यहाँ पे जो पहला वाला वीडियो था हमारा, पहला वाला वीडियो अगर आप देखोगे तो उसके अंदर हमने जो प्राइमरी इफेक्ट था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, ओके, कि प्राइमरी इफेक्ट के अंदर भी अगर आप देखोगे कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था उसके बारे में हमने देखा था, साइज के बारे में हमने देखा था, ओके। तो ये जो दो टॉपिक था हमने कवर किया था पहले वाले वीडियो के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो प्लीज आप लोग जाके देखो, ओके। अगर आप वो देखोगे तो आपको समझेगा और आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो, ओके। और जो प्राइमरी इफेक्ट था वो पूरी तरह से इनऑर्गेनिक बेस था, ठीक है। और ये कैसे होता है, जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है अगर आप पीरियोडिक में देखोगे तो ये आप रॉ में देख सकते हो, ओके, यानी जितने भी रॉ होते हैं उसके अंदर। और ये जो साइज होता है ये आपको कॉलम के अंदर देखने के लिए मिलता है, ओके। तो आपको ये दो चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आप इसके बारे में बता सकते हो, ओके। और आज का जो वीडियो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं, ओके, वो मेन हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। अभी बहुत से लोगों पूछेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट ये कौन से है, ओके। तो अगर आप फर्स्ट वीडियो को देखते हो तो फर्स्ट वीडियो के अंदर ही हमने बताया था कि प्राइमरी के अंदर कौन सा है और सेकेंडरी के अंदर कौन सा है, ओके। तो ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंडरी टाइप है, ओके, और ये आपका जीओसी का सेकेंडरी टाइप है जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, ओके। ये सेकेंडरी आपका टाइप है जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। तो इंडक्टिव इफेक्ट, तो अभी हम बात करते हैं कि एक्चुअली में इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, तभी तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम शुरू कर सकते हैं, ओके। सपोज मेरे पास एक, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, ओके। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, जैसे H हो गया और यहाँ पे आपका F हो गया, फ्लोरीन हो गया, ओके। ये क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के पास है और एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे आपका, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपका हाइड्रोजन के ऊपर है और एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे आपका फ्लोरिन के ऊपर है, ओके। तो फ्लोरिन क्या करेगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है अपना वो हाइड्रोजन को देगा और हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ये फ्लोरीन को देखा, ओके। और इस तरीके से ये जो म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है इसके कारण क्या करेंगे, ये लोग एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ पे ये क्या करेगा, H और F का यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो इस जो यहाँ पे जो फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है ये कहाँ, ये कौन सा फॉर्मेशन है आपका, ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके। तो यहाँ पे कभी भी अगर आप देखोगे जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, उसमें हमेशा आपको कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। और जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिपेंड करता है आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी, ओके, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। अभी आप सोचोगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ये कैसे डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे बहुत ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपका यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन आपका, या आपका तीसरा कार्बन, ठीक है, यहाँ पे आपका तीसरे कार्बन या आपका चौथा कार्बन, और चौथे कार्बन से आपका क्या है यहाँ पे क्लोरीन जो ग्रुप है वो आपका अटैच है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक कार्बन, ये आपका दूसरा कार्बन, ये आपका तीसरा कार्बन, ये आपका चौथा कार्बन, और ये आपका पांच चौथे कार्बन से भी क्या है यहाँ पे एक कार्बन अटैच है, ओके। यहाँ पे अगर मुझे बात करो तो ये जो आपका क्लोरीन ग्रुप है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ओके। तो ये क्या है आपका क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो आपका यहाँ पे CH3 होगा तो ये आपका क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये यहाँ पे आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव में क्या होगा कि ये यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से वो क्या करेगा अपना एक चार्ज यहाँ पे लेगा, ओके। तो आपका चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके, यहाँ पे अगर ये चार्ज यहाँ से लेता है तो इन दोनों के बीच में एक क्या होगा, एक फोर्स होगा, सर्टन फोर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पार्शियल नेगेटिव देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखने के लिए मिलेगा, ओके, कि जब ये अट्रैक्ट करेगा यहाँ से क्लोरीन और इस कार्बन और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें से, तो यहाँ पे आपको पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देखेगा, ओके।
यहां पे अभी मुझे बताओ कि अगर सपोज अगर आपने टग ऑफ वॉर खेला होगा तो टग ऑफ वॉर में क्या होता है, यहां पे सपोज आप दोनों तरफ से देखो कि यहां से आपका अगर कोई खींच रहा है इस तरीके से, आपका अगर कोई यहाँ पे ये लगा रहा है ओके, और यहाँ पे कितने, सिर्फ यहाँ पे तीन पीपल है ओके, एक दो तीन है, यहाँ पे कितने हैं, एक दो तीन चार पांच पीपल है ओके। अभी मुझे बताओ ये क्या करेंगे, एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे, तो जब ये एक्स्ट्रा फोर्स इस तरह से लगाएंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्स किसको यहाँ पे महसूस होगा, जो फर्स्ट पोजिशन पे है उसको सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा ओके। उसके बाद जो सेकेंड पोजिशन पे है उसको थोड़ा सा फोर्स लगेगा, जो थर्ड पोजीशन पे है उसको थोड़ा लगेगा, और जो अगर फोर्थ पोजीशन पे रहेगा उसको बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा कम फोर्स लगेगा, वो आसानी से आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाएगा ओके। तो सेम ये आपका जो यहाँ पे अगर कोई आप कंपाउंड लिखते हो, कोई स्ट्रक्चर अगर आप प्रिपेयर करते हो, तो सेम उसके साथ भी यहाँ पे आपको वही सेम चीजें देखने के लिए मिलती है ओके। यहाँ पे भी क्या होता है कि जब एक कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो अगर आपका कोई एलिमेंट है ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव से अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ने अपनी तरफ खींचा तो उसके तरफ क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसने क्या किया, यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा ओके। अभी मुझे बताओ ये सबसे ज्यादा नजदीक है इसके लिए आपका यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, अभी इसके ऊपर भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये पार्शियल डबल डबल पार्शियल प्लस आ जाएगा ओके, और यहाँ पे आपका थ्री पार्शियल प्लस आ जाएगा ओके। तो इस तरीके से जो आपका ये है बे, ये क्या बोलते हैं, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो फोर्स है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है ओके। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो किस तरीके से डिपेंड करता है ओके। अभी यहाँ पे अगर हम दूसरे में देखें, तो दूसरे में अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपका क्या था, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था ओके, अभी यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं है। अगर आप दोनों में देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या है, CH2 है ओके, यहाँ पे आपका क्या है, CH2 है, यहाँ पे आपका CH2 है, और यहाँ पे आपका CH3 है ओके। तो इसके बीच में अगर आप देखोगे कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे जो ये है अट्रैक्शन है ओके, जिस किस तरीके से करते हैं, ये आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे ओके। आप जैसे जैसे इस तरह बढ़ते जाओगे, ये आपका क्या है, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका डबल पार्शियल पॉजिटिव, ये आपका ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव ओके। और यहाँ पे आपका जैसे जैसे आप लास्ट में जाओगे, वैसे वैसे जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा ओके। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, कि अगर आपने सपोज कोई चीज पे हिट किया ओके, सपोज ये यहाँ पे 10 मीटर का कोई एक यहाँ पे आपने कोई ये सामान रखा है, अगर आपने किसी चीज से यहाँ पे अगर आपने हिट किया, तो ये थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, जो एनर्जी है यहाँ पे आएगी ओके, ये एनर्जी कुछ लिमिट तक ही आएगी, लास्ट लास्ट में आते आते क्या हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी ओके। तो ऐसा एक पोजीशन आएगा जहां पे जो एनर्जी होगी ओके, जो हीट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो। और उसके बाद अगर वो इस तरफ बढ़ता है तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे नेगेटिव में चले जाएगा ओके। तो यहाँ पे आपको जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है आपको इस तरफ देखने के लिए मिलने वाला है ओके। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस तरीके से क्रिएट होते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर ओके। अभी यहाँ पे हमने तो बात की कि ये किस तरीके से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं, अभी हम बात करेंगे कि व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट ओके। आप यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको पता भी होना चाहिए कि व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट ओके। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है ओके, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ रहे हो इसके लिए तो नहीं, आपको ये सारी चीजें आपके एग्जाम में आने वाली है, इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है गेट के अंदर, चाहे आपका CSI या नेट केमिकल साइंस हो उसके अंदर आ सकता है, तो आपको पता होगा तभी तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करोगे ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था एच और एफ का ओके, तो एच और एफ के एग्जाम्पल से ही यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सपोज एच और एफ के अंदर क्या है, दो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ओके। अभी क्या करेगा, यहाँ से ये क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो आपका फ्लोरीन है ओके, ये फ्लोरीन क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू आपका एच, ये क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या एक तरह से कह सकते हो आप इलेक्ट्रोनेगेटिव है भी नहीं। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा ओके,
और जब ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो लेस होगा और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी होगी वो हाई होगी। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही होता है कि अट्रैक्टिंग द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्या करता है, किसी भी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अट्रैक्टिंग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। अभी यहां पे अगर मुझे बताओ कि द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टूवर्ड द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से अगर ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा तो क्या आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे आपका क्या है, फ्लोरीन है, ये क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका माइनस आई इफेक्ट आएगा। ओके, और ये क्या है, आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आपका प्लस आई इफेक्ट आएगा। ओके, अभी यहाँ पे जो प्लस आई इफेक्ट है और यहाँ पे जो प्लस और माइनस आई इफेक्ट है, ये हम लोग अभी यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे, इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ये किस तरीके से ये काम करता है वो सारी चीजें देखेंगे। ओके, और ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आपका प्लस आई हो या माइनस आई हो, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग बहुत ज्यादा सीरियसली क्या करेंगे, इस चीज को हम लोग देखेंगे। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो आपका यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है उसके ऊपर कौन कौन से जो फैक्टर होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। ओके, क्योंकि अगर आप देखोगे कि कुछ ना कुछ तो फैक्टर होगा तभी तो ये सारी चीजें हो रही है, अगर बिना किसी फैक्टर के ये सारी चीजें पॉसिबल होती ही नहीं। ओके, सबसे पहला जो फैक्टर है आपका वो है डिस्टेंस। ओके, अभी डिस्टेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। ओके, जैसे जैसे अगर आप यहाँ पे एक, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक आपको ये बना के दिखाता हूँ, जैसे मेरे पास CH3 है, ओके, ये आपका CH2 है, ओके, ये आपका CH2, ठीक है, ये आपका CH2, और इस CH2 से क्या है, यहाँ पे एक क्लोरीन एटम अटैच है। अभी मुझे बताओ ये जो क्लोरीन है ये क्या है, आपका पार्शियल नेगेटिव है, उसके बाद जैसे जैसे आप क्लोरीन से दूर जाओगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे डबल पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे आपका ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव, और ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सॉरी, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दूर चले जाते हो, ओके, ये जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ते चले जा रहे हैं, और डिस्टेंस जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, तो ये डिस्टेंस जो आपका है, अगर ये डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। ओके, तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका डिस्टेंस है, ओके, ये डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके। ओके, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से डिस्टेंस के अपोजिट है, अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो डिस्टेंस कम होगा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होगी तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। ओके, तो आपको इस तरीके से ये समझना होगा, डिस्टेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर। ओके, अगर आपका इंडक्टिव इफेक्ट कहीं पे पार्शियल नेगेटिव या पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, तो जैसे जैसे आप उस चीज से दूर चले जाओगे जो उसके अंदर का एक फोर्स है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। ओके, और लास्ट में जाके वो क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया आपका सबसे पहला फैक्टर। अभी यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है उसके बारे में बात करते हैं, दूसरा फैक्टर है आपका डिग्री ऑफ कार्बन। ओके, तो ये डिग्री ऑफ कार्बन के ऊपर भी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो डिग्री ऑफ कार्बन में आपको तीन तरह के ही डिग्री देखने के लिए मिलती है, चाहे आपका यहाँ पे प्राइमरी कार्बन हो या आपका सेकेंडरी कार्बन हो या आपका टर्शरी कार्बन हो। ओके, प्राइमरी कार्बन में क्या होता है कि एक जो कार्बन होता है उससे सिर्फ एक ही कार्बन क्या होता है, अटैच होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। ओके, और ये प्राइमरी कार्बन को हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरह से और जैसे प्राइमरी कह सकते हैं या फिर आप फर्स्ट डिग्री कार्बन आप कह सकते हो। ओके, और फर्स्ट डिग्री कार्बन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइमरी में सिर्फ एक CH3 क्या है, ग्रुप अटैच है। उसी तरीके से अगर आप सेकेंडरी की तरफ जाते हो तो सेकेंडरी में क्या होता है, दो कार्बन अटैच होते हैं, ये आपका यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप होगा। ओके, और यहाँ पे आपका क्या होगा, एक CH3 ग्रुप होगा, ठीक है, दो आपके CH3 ग्रुप है, तो आप इसको सेकेंड डिग्री कार्बन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, और आप चाहो तो इसको यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन भी बोल सकते हो, ठीक है, ये आपके पास दोनों चॉइस है।
अगर आप यहाँ पे टर्सरी की तरफ मूव करोगे तो टर्सरी में क्या होता है, यहाँ पे आपका एक सी एस थ्री हो गया, ओके, यहाँ पे आपका एक सी एस थ्री हो गया, ओके, यहाँ पे आपका एक सी एस थ्री हो गया, तो टोटल कितने यहाँ पे सी एस थ्री है, तीन सी एस थ्री आपको देखने के लिए मिल रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्री थर्ड डिग्री कार्बन, ओके, आप इसको थर्ड डिग्री कार्बन बोल सकते हो, या फिर आप इसको जो टर्सरी है उसको आप टर्सरी भी बोल सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इसके बीच में आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले कौन सा आएगा, ओके, और बाद में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे अगर हम नंबरिंग जब भी करते हैं तो नंबरिंग में हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि जहां पे जो कार्बन है, ओके, अगर जहां पे कार्बन का जो नंबर है अगर वो ज्यादा है, ओके, तो वो पहले आएगा, ओके, और कार्बन का जो नंबर है अगर वो कम है तो वो क्या आएगा, लास्ट में आएगा, ओके, ये आपका फर्स्ट आएगा, ये आपका लास्ट आएगा, ओके, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा उसको प्रायोरिटी हम लोग देते हैं, ओके। इस यहाँ पे भी आपको सेम आएगा, आपका थर्ड डिग्री आएगा, थर्ड डिग्री के बाद आपका यहाँ पे सेकेंड डिग्री आएगा, सेकेंड डिग्री के बाद आपका यहाँ पे फर्स्ट डिग्री आएगा, ओके, तो ये क्या है आपका यहाँ पे ये क्या है, इसका एक तरह से जो सीरीज है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। अभी यहाँ पे एक और आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो फैक्टर है आपका हाइब्रिडाइजेशन, ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन में भी आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, ओके, ये हाइब्रिडाइजेशन में आपका इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से होता है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ जाए। आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में आपको तीन या चार टाइप के आपको हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए मिलते हैं, सबसे पहला होता है आपका एसपी, ओके, एसपी टू, उसके बाद यहाँ पे एसपी थ्री, उसके बाद आपका एस टू एस पी टू, ये डी थ्री, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो नॉर्मल आपके यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप सबसे जो कॉमन होता है या तो वो एस पी होता है, एस पी टू होता है, या एस पी थ्री होता है, ओके, आप अगर एस पी टू एस पी थ्री और एस पी अगर आप निकालना चाहते हो तो सबसे पहले सबसे मेन क्या होता है, आप इन्हीं को देख लो, चाहे आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर हो तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, एक कार्बन के साथ यहाँ पे सी एस थ्री ग्रुप क्या होता है, अटैच होता है, ओके, ये आपका सी एस थ्री, ये आपका सी एस थ्री, ये आपका प्राइमरी हो गया। अगर आप सेकेंडरी देखते हो तो सेकेंडरी में यहाँ पे ये आपका सी एस थ्री हो गया, यहाँ पे आपका सी एस थ्री हो गया, ओके, और ये आपका सी एच हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे थर्ड डिग्री में जाते हो तो थर्ड डिग्री में क्या होता है, यहाँ पे आपका एक सी एस थ्री हो गया ग्रुप, यहाँ पे आपका एक सी एस थ्री ग्रुप हो गया, और यहाँ पे आपका एक सी एस थ्री ग्रुप हो गया, ओके, ये आपके चार ग्रुप आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे जो सी एस थ्री ग्रुप है और यहाँ पे जो सी एस थ्री ग्रुप है उसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, यहाँ पे जो सी एस थ्री होता है ना, सी एस थ्री, अगर ये सी एस थ्री किसी सी एस थ्री के साथ अटैच है तो यहाँ पे आपका एस पी थ्री आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके, अगर ये सी एस टू के साथ अटैच है तो ये एस पी टू हो जाएगा, ओके, अगर ये वापस सी एस टू के साथ अटैच है तो ये भी एस पी टू हो जाएगा, अगर ये वापस किसी एस पी अगर या फिर आप कहो कि एस पी के साथ अटैच है या एस पी टू के साथ अटैच है तो ये वापस क्या हो जाएगा, आपका एस पी टू हो जाएगा, ओके, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एस पी टू होगा, ये एस पी है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सी एस थ्री है यानी एस पी हो जाएगा, ओके, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक सिंगल, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो ये भी आपका एस पी थ्री, ओके, ये भी आपका एस पी थ्री हो जाएगा, ओके। अभी यहाँ पे सेकेंड वाले में देखो तो सेकेंड वाले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो सी एच ग्रुप है ये सी एच क्या हो जाएगा, आपका एस पी टू हो जाएगा, ये आपका एस पी थ्री हो जाएगा, और ये आपका एस पी थ्री हो जाएगा, ओके, यहाँ पे ये एस पी हो जाएगा, यहाँ पे ये एस पी थ्री हो जाएगा, ये आपका एस पी थ्री हो जाएगा, और ये आपका एस पी थ्री हो जाएगा, ओके। अभी मुझे बताओ अगर आपको यहाँ पे इसकी अगर आपको सीरीज निकालनी है यानी कौन सा सबसे पहले आएगा, तो जो एस पी होता है वो एस पी क्या होता है, ग्रेटर होता है एस पी टू से, और एस पी टू इज ग्रेटर देन एस पी थ्री से, ओके, तो ये आपका क्या होता है, एक ऑर्डर होता है जो आप हाइब्रिडाइजेशन में फॉलो करते हो। आप जब भी आपको कोई भी अगर आपको कंपाउंड दिया जाता है, कोई भी एलिमेंट स्ट्रक्चर दिया जाता है, तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अभी यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग बात करने वाले थे, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी बात थी वो क्या थी, हमारी इंडक्टिव इफेक्ट में जो आई प्लस आया था, प्लस आई आया था, और जो माइनस आई आया था उसके बारे में, ओके, प्लस आई और माइनस आई को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ओके,
और ये मैं इसके लिए कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्यों है, आप समझ जाओगे। ठीक है, ये प्लस आई है और ये माइनस आई है। अभी यहाँ पे जो प्लस आई होता है उसके अंदर अगर आप सबसे पहला पॉइंट लिखोगे तो यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, ओके, जितने भी यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, वो फंक्शनल ग्रुप क्या आते हैं आपके आई प्लस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको लिख लेना। ओके, यहाँ पे जो आई आई माइनस होता है, ओके सॉरी, यहाँ पे इस चीज को मैं क्या करता हूँ, करेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा एक नया पेज लेता हूँ, उसके अंदर आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बारे में आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नया पेज लेता हूँ, उसके अंदर आपको समझाता हूँ। ओके, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे आपका माइनस आई इफेक्ट है। ओके, अगर आप प्लस आई इफेक्ट में देखते हो, तो प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, जितने भी आपके जो मेटल ग्रुप होते हैं ना, ओके, जितने भी आपके मेटेलिक ग्रुप होते हैं, वो सारे के सारे आपके आई प्लस वाले ग्रुप में आते हैं, चाहे आपका आपका एस ब्लॉक हो, ओके, या फिर आपका डी ब्लॉक में बहुत सारे एटम हो गए वो सारे। ओके, उसके बाद आपका जो अल्काइल ग्रुप होता है, ओके, सारे के सारे जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इसमें आते हैं। ओके, ये आपका एक और पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट होता है, थर्ड पॉइंट आप इसको एक तरह से लिख सकते हो कि ये एक जो आई प्लस होता है, एक तरह से क्या होता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है। ओके, यहाँ पे ये इसके अंदर से क्या होते हैं, हम लोग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डोनेट करते हैं, तो इसको हम लोग डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। ओके, और इसकी जो यहाँ पे जो आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता है कि आइसोटोप्स, अगर आप कार्बन के आइसोटोप्स देख लो या फिर हाइड्रोजन के आइसोटोप्स देख लो, तो सबसे पहले आपका ट्रिटियम आता है, फिर उसके बाद ड्यूटेरियम आता है, फिर आपका क्या आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। ओके, तो ये सीरीज होती है। यहाँ पे अगर आप इसके अलग अलग ग्रुप को देख लो, ओके, यहाँ पे आई प्लस के सीरीज को देख लो, तो आई प्लस के सीरीज में क्या क्या आता है, आपका CH2 आता है, ओके, प्लस दूसरा आपका यहाँ पे आता है जो CH2+ होता है, वो सबसे बड़ा होता है एज कम्पेयर टू जो आपका NH+ होता है, उसके कंपेरिजन में NH+ जो बड़ा होता है वो O- से बड़ा होता है। ओके, और वो जो माइनस होता है वो बड़ा होता है आपका COO से। ठीक है, और ये बड़ा होता है आपका थर्ड कार्बन से, थर्ड अल्काइल से, थर्ड अल्काइल बड़ा होता है आपका सेकेंड कार्बन से। ओके, और सेकेंड कार्बन बड़ा होता है आपका प्राइमरी कार्बन से। ओके, तो इस तरीके से ये जो पूरा ग्रुप है आपका आता है। अगर आप यहाँ पे आई माइनस में जाओगे, तो आई माइनस में क्या होता है, जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, ओके, जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ओके, वो सारे के सारे क्या करते हैं, आई माइनस वाले में आते हैं। ओके, अगर आप फंक्शनल ग्रुप की बात करो, तो फंक्शनल ग्रुप में आपका OH हो गया, माइनस OH हो गया, आपका CO हो गया, ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पे क्लोरीन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका जो NH2 हो गया, वो आपके सारे के सारे जो फंक्शनल ग्रुप है आपको आई माइनस में देखने के लिए मिलते हैं। ओके, और ये क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये उसी तरीके से ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ओके, ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो आप इस चीज को यहाँ पे नोट कर लो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। ओके, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, और अगर आप यहाँ पे देखोगे कि इसके अंदर जो सीरीज होता है आई माइनस की सीरीज, उसमें आप आई माइनस की सीरीज थोड़ी सी बड़ी होती है, ये होती है आपकी NF3। ओके, ये बड़ा होता है आपका NR3 से, ओके, NR3+ से, और NR3+ बड़ा होता है आपका SR2+ से, ओके, और SR2+ बड़ा होता है आपका NH3+ से, ओके, और NH3+ बड़ा होता है आपका NO2+ से, ओके, और NO2 बड़ा होता है आपका SO3H से, ओके, और SO3H बड़ा होता है आपका साइनाइड से, ओके, CN- से, और साइनाइड बड़ा होता है आपका अल्डिहाइड से, CHO से, ओके, और CHO बड़ा होता है आपका कार्बोजिलिक एसिड से, ओके, और कार्बोजिलिक एसिड बड़ा होता है आपका फ्लोरीन से, ओके, और फ्लोरीन बड़ा होता है आपका क्लोरीन से, ठीक है, और क्लोरीन बड़ा होता है आपका ब्रोमीन से, और ब्रोमीन बड़ा होता है आपका आयोडीन से, आयोडीन बड़ा होता है आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक मेटल अराइल ग्रुप से, ओके, और यहाँ पे अराइल ग्रुप होता है अल्कोहल से बड़ा। ओके, यहाँ पे आपका ये ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके, ये बड़ा होता है यहाँ पे NH2 से।
और NH2 बड़ा होता है बेंजीन से, ठीक है, और बेंजीन बड़ा होता है इन से, और इन बड़ा होता है एच से, यानी सबसे छोटा क्या होता है आपका एच प्लस होता है, और सबसे जो लेस होता है, सबसे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो होता है आपका नाइट्रोजन और ट्राइफ्लोराइड, ओके, NF3, ठीक है। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सारी जो चीजें हैं वो आपको करनी है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आपको इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज आप लोग हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक दो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और आपको थोड़ा सा एक जो आइडिया है वो हम लोग यहाँ पे देते हैं। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, ओके, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप देखो, इसमें क्या पूछा है कि सॉल्व द इंडक्टिव इफेक्ट क्वेश्चन, ओके। आपको इसके अंदर क्या करना है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ओके okay? और आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है आपका एच और एफ है, इसके बीच में एक बॉन्ड है, ओके okay? दूसरा है आपका CH3, इसके बीच में आपका OH के साथ बॉन्ड है, ओके okay? उसके बाद आपका CH3 और ये आपका CH2 के साथ बॉन्ड है, और ये आपका NH2 है, ओके okay? अभी मुझे बताओ यहाँ पे इसके अंदर प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट आपको कहाँ कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ओके okay? अगर आप इस चीज को देखोगे, ओके okay? यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अगर आप यहाँ पे फ्लोरीन को देखोगे तो फ्लोरीन क्या है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके okay? और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस आई इफेक्ट, ओके okay? उसके बाद अगर आप यहाँ पे OH ग्रुप को देखोगे तो OH क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप है, ओके okay? तो यहाँ पे आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए ये क्या आ जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, और CH3 क्या है आपका प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ओके okay? उसके बाद आपका जो NH2 है, NH2 क्या है, NH2 भी आपका क्या है फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी क्या करेगा आपका माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा, और यहाँ पे जो आपका CH3 है और ये CH2 है वो आपका प्लस आई इफेक्ट आपको दिखाने वाला है, ओके। उसी तरीके से एक और अगर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेते हैं, जिसमें अगर आप देखोगे, अगर ये आपके पास ग्रुप है, ये आपका CH3 हो गया, यहाँ पे आपका क्लोरीन हो गया, दूसरा है आपका यहाँ पे इस तरीके से, ये आपका क्लोरीन हो गया, यहाँ पे आपका CH3 हो गया, ये आपका CH3 हो गया, उसके बाद तीसरा ग्रुप है आपके पास इस तरीके से, ये आपका क्लोरीन हो गया, ये आपका CH3 हो गया, ये आपका CH3 हो गया, और ये आपका CH3 हो गया, ओके। अभी मुझे बताओ कि ये जो क्लोरो इथेन है, ओके, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये क्लोरो इथेन है, ओके, ये आपका क्लोरो इथेन, ये आपका क्या हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ओके, ये आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया, और ये आपका हो गया टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ओके। तो यहाँ पे अगर आप तीनों ग्रुप को देखोगे तो तीनों ग्रुप का आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो किसके अंदर होगा, ओके। आप तीनों को देखो, तीनों में आपका क्लोरीन है, ओके, यहाँ पे भी आपको क्लोरीन देखने के लिए मिल रहा है, ये आपका, ओके, यहाँ पे भी आपको क्लोरीन देखने के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे भी आपको क्लोरीन देखने के लिए मिल रहा है, ओके। लेकिन हमने एक और सेंटेंस आपको बताया था कि जिसके अंदर जो आपका जो कार्बन है, जिसके अंदर कार्बन का जो कंटेंट है वो ज्यादा होगा, वो क्या होगा इंडक्टिव इफेक्ट उसका क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें कार्बन कितने हैं, तीन है, इसमें दो है, इसमें एक है, तो ये क्या होगा सबसे ज्यादा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा एज कंपेयर टू सेकेंड वाला, और सेकेंड वाले के मुकाबले आपका फर्स्ट वाले के मुकाबले सेकेंड में आपको जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से आपका जो ये आंसर आएगा, पहला आपका टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, उसके बाद आपका आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, देन उसके बाद आपका क्लोरो इथेन, ओके। तो आपको ये यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चन हमने करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी इसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है या फिर कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां पे भी आपके जो भी डाउट है उनको आप क्लियर कर सकते हो, ओके। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही बहुत सारे कमाल के वीडियो आपके लिए हम लाते रहें, ओके। और आपको ये डेली बेसिस में मिलने वाला है, चाहे आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, साथ साथ में हम लोग जो आपका जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरा ये मस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और उन्हें भी कहो कि यहाँ पे बहुत सारी जो चीजें हैं आपको ऑलमोस्ट
आपका CSIR नेट हो या गेट हो, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है, हर एक कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के।